परसों आपने मुझे कब देखा था? परसों काफी एक कब? राइट राइट, मैं श्रीनगर से आया था उस टाइम, कश्मीर से शूटिंग करके अपनी पिक्चर की, आर्मी के ऊपर है। अभी नाम रिवील नहीं करूँगा, इसकी बड़ी अनाउंसमेंट है, हिंदुस्तान इंडियन आर्मी के ऊपर है। आई एम प्लेइंग द मेन हीरो, वन ऑफ द मेन हीरो। एंड आज जा रहा हूँ दिल्ली, एक इवेंट है वहाँ पर भाग लेना है, फिर एक दोस्त की शादी है, उस पर आई टू बी पार्ट ऑफ इट। यस, इंडियन सोल्जर जो जवान बॉर्डर पर तैनात है, देश की सेवा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। आई एम प्लेइंग सोल्जर हिंदुस्तानी। हमने लास्ट टाइम आपको देखा है वही हीरो पंथी में नेटिव कैरेक्टर देखा, और अभी एकदम से चेंज, एकदम आर्मी कैरेक्टर, तो उसके ऊपर क्या करें? हीरो पंथी में आप जानते हैं मेरा नाम था रजो फौजी करके था, इसमें मैं रियल फौजी हूँ। तो बिग डिफरेंस है, उसमें थोड़ा नेगेटिव शेड था, लिटिल बिट ग्रे शेड ऑफ समथिंग, यहाँ पे मेरा वो है, इट्स मोर ऑफ पॉजिटिव। हिंदुस्तान का सिपाही सोल्जर हूँ तो हीरो का रोल है, सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव रोल। इट्स अ वेरी गुड फिल्म डायरेक्टेड बाय आर एन सक्सेना, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अभी शूटिंग बाकी है मेरी, एक शूटिंग अभी इसका शेड्यूल होने वाली है एक दो महीने बाद। ओके, अगर बॉलीवुड में अगर बात करिए तो जैसे कि आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा फिल्में बनी हुई हैं, आप किस किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं बॉलीवुड? अक्षय कुमार है, आई नो अक्षय पाजी इज़ माई फेवरेट। सो कोशिश कर रहा हूँ उनकी राह पे चलने की, वैसी कुछ ऐसी फिल्में करूँ जो देश के लिए अच्छी है, हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा मैसेज छोड़े सबके लिए, यू नो दैट इज़ माई मेन मोटिव टू डू फिल्म। आई कैन से एज एक्टर आइडल राइट नाउ अक्षय कुमार फॉर मी, यू नो। या ओके, ऑलराइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर आस्किंग। Hold some, please.